Hi, this is Bobby Deol. I support Skill India. Kaushal Bharat, Kushal Bharat. भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है रोजगार के योग्य नौजवान को तैयार करने के लिए हमारी आवश्यकता है ITI. मल्टीक्राफ्ट प्राइवेट ITI, गोविंदपुर धनबाद. एडमिशन ओपन. ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर. कॉन्टेक्ट नंबर 9431168747. गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं बंटी सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ फ्लोरसेंट ट्यूबलाइट का कनेक्शन. फ्लोरसेंट ट्यूबलाइट का कनेक्शन जिसे हम लोग मरकरी भी कहते हैं, इसको हम लोग कनेक्शन करेंगे. लेकिन हम इससे पहले भी ये वीडियो आपको दिखा चुके हैं, इसके बारे में बता चुके हैं. लेकिन आज इसमें कुछ हम दिखा रहे हैं दो ट्यूबलाइट का कनेक्शन एक ही चौक से हम जलाएंगे. ठीक है, ये देखते हैं. ये हम पहले बताए तो उसको भी हम बताएंगे. इसको हम दिखाएंगे तभी उसको हम आपको दिखा पाएंगे. ठीक है, इसमें चौक मेरा एक ही होगा जो कि 40 वाट का होगा. दो ट्यूबलाइट मेरा होंगे जो कि 20 वाट के होंगे, 20-20 वाट. ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब दोनों होंगे, दोनों में स्टार्टर लगे होंगे. ठीक है, और ये मेरा 40 वाट का ट्यूबलाइट भी है, 40 वाट का चौक भी है. यह हम ऑपरेट करेंगे. ये चीज याद रखिए, सबको जलाने के लिए हमारे पास विद्युत सप्लाई होना चाहिए जो कि एसी का होगा, क्योंकि ये सारा मेरा एसी सिस्टम पे काम करता है. ठीक है, तो एसी का मेरा सप्लाई होना चाहिए जो कि सिंगल फेज का होगा, क्योंकि सिंगल फेज पे ये काम करता है. ठीक है, तो सिंगल फेज का हमको सिंपल पहले बताते हैं आपको. सिंगल फेज ये जो है आपका फेज हुआ, ये हो गया सिंगल, ये हो गया सिंगल फेज का सिस्टम. थ्री फेज होगा वैसे करेंगे यहाँ पे थ्री, तो फिर थ्री फेज होगा, ये हमारा सिंबल होगा. ठीक है, फेज न्यूट्रल हमको हो सकता है, स्विच हम लगाएंगे ही, ये सब चीज के बारे में हम बता भी चुके हैं आप लोगों को. तो चलिए अभी ओनली फोर हम ट्यूबलाइट का कनेक्शन करेंगे फेज न्यूट्रल के साथ. तो पहले हम सिंगल ट्यूबलाइट के दिखाते हैं आपको. ठीक है, सिंगल ट्यूबलाइट है, 40 वाट्स का मेरा ये चौक है, ये मेरा फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट है जो कि 40 वाट्स का. चलिए कनेक्शन किया बढ़ते हैं. सबसे पहले हम फेज सप्लाई और न्यूट्रल दोनों को लेते हैं. ये मेरा हो गया फेज. ठीक है, ये मेरा हो गया न्यूट्रल. इससे हम लोग एन स्विच कर सकते हैं, इससे हम लोग पी से स्विचिंग कर सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं एसी 240 वोल्ट इनपुट सप्लाई. ये तो हम लिख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा. जी हाँ, आपको दिख रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है. तो चलिए हम फिर आपको कनेक्शन कर पाते हैं. तो कनेक्शन करने का सबसे पहले फेज सप्लाई को हम लोग, ये आपका चौक है, चौक में देंगे. 40 वाट्स का चौक है, चौक में हम कनेक्शन कर लेंगे. चौक में दो टर्मिनल होते हैं. ये चौक जो होता है मैनुअल चौक, देखिएगा आप लोग देखे होंगे कुछ चौक अभी जो आते हैं वो 6 टर्मिनल वाले होते हैं. लेकिन ये जो चौक है इसमें दो ही टर्मिनल होते हैं. इसमें सप्लाई हम दोनों में इन नहीं करेंगे, फेज नहीं होता, एक ही इन करेंगे फेज. चलिए फेज को हम इन करते हैं, ये मेरा फेज इन हो गया. ठीक है, अब यही सब फेज ही मेरा आउट होगा. ठीक है, अब फेज आउट होकर ट्यूबलाइट के एक टर्मिनल में कनेक्ट होगा. ठीक है, ये मेरा कनेक्ट हो गया. अब ट्यूबलाइट का जो दो टर्मिनल दूसरा एक साइड दूसरा टर्मिनल है, यानी इसी साइड का दूसरा टर्मिनल ये वाला, ये स्टार्टर से कनेक्ट होगा. चलिए इससे हम स्टार्टर से कनेक्ट करेंगे. हो गया, अब ये स्टार्टर का दूसरा टर्मिनल इसमें कनेक्ट करेंगे, दूसरे पिलर पे दूसरे टर्मिनल. ये मेरा कनेक्ट हो गया. अब ये जो भाग बचा यहां पे हम लोग न्यूट्रल सप्लाई जोड़ते हैं. ठीक है, तो न्यूट्रल सप्लाई यहां से हम ऊपर की ओर ले आए, ये मेरा न्यूट्रल सप्लाई हो गया. अब मेरा एक ट्यूबलाइट वर्क करेगा. जैसे मैं सप्लाई ऑन है, यहां से सप्लाई पार होते हुए फ्लूइड ऑन हुआ. स्टार्टर का बेसिकली फंक्शन यही है कि ट्यूबलाइट को स्टार्ट कर देगा, बाकी वो अलग हो जाए. इसको मतलब स्टार्ट ट्यूबलाइट बिजल जाता है, इससे यहां से हटा के देंगे कनेक्शन, तो कोई मतलब मेरा नहीं रहेगा स्टार्टर. लेकिन हाँ, यदि विद्युत सप्लाई ऑफ हो जाता है तो फिर ट्यूबलाइट ये बिना स्टार्टर के नहीं चलेगा. जलाने के लिए हमें स्टार्टर की आवश्यकता होगी, यानी कि इसकी जगह हम लोग बेल स्विच भी लगा सकते हैं. बेल स्विच का फंक्शन है ना जी, एक बार लगा के ऑन के छोड़ दिया ट्यूबलाइट जल गया तो काम कर जाएगा. तो बेल स्विच बेल बजाए बच गया, छोड़े तो बेल बंद हो जाएगा. डेट्स वो फंक्शन से भी मेरा ये वर्क कर सकता है. ठीक है, ये हो गया सिंगल ट्यूबलाइट.
तो चलिए उसके जस्ट बगल में है डबल टॉयलेट का कनेक्शन। अक्सर ये एग्जाम में आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आए या फिर ड्राइंग एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। ड्रॉ दी फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट 20 वॉट, ठीक है। ड्रॉ दी फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट 20 वॉट, ये 40 वॉट आएगा तो ये होगा, 20 वॉट आएगा तो डबल ट्यूबलाइट, डबल ट्यूबलाइट 20 वॉट आएगा तो एक कनेक्शन होगा, वो कनेक्शन कम दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें भी सेम काम लेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे फेज लिख देते हैं और यहाँ पे न्यूट्रल, क्या सही? नहीं, न्यूट्रल यहाँ पे लिखने से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रल हम यहाँ पे लिख दिए। अब चलिए हम गौर करते हैं इस पे, ठीक है। यहां से फेज आया, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब ये फेज यहाँ पे जाएगा, यहाँ कनेक्ट हो गया, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये सब मैंने यहाँ पे आया डबल ट्यूबलाइट के लिए, ये काम कर रहा, ठीक है। ये चीज को मायने रखना, डबल ट्यूबलाइट के लिए ये चीज मायने है, इसमें ये चीज नहीं था सिंगल के कारण, ये चीज मायने है डबल ट्यूबलाइट के लिए। दो ट्यूबलाइट को सीरीज में करना है तो उस सिंबल को आप जरूर देखिए, जो दिख रहा है ये सिंबल, जो उंगली हम वहां पे दिखा रहे हैं ना, ये लाइन को देखिए ऐसे करके जो गया हुआ है, यही आपका मेन लाइन है, ठीक है। इसी चीज को ध्यान दीजिए, डबल ट्यूबलाइट में ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा यही कनेक्शन, ठीक है, डबल ट्यूबलाइट में। बाकी स्टार्टर का बेसिकली कुछ बल नहीं है। तो चलिए आगे देख लीजिए, ये हो गया कनेक्शन और हम यहां से स्टार्टर को भी जोड़ेंगे। ये जोड़ दिया इसको स्टार्टर को, अब यहां से भी सप्लाई मेरा इसके आ जाएगा। अब न्यूट्रल जो सप्लाई है यहां पे जोड़ देंगे, ये मेरा कनेक्शन हो गया। कनेक्शन हो गया, ऐसा क्या होता है ना, डबल ट्यूबलाइट में करंट की मांग कम हो जाता है तो हम लोग वहां पे कैपेसिटर को लगा देंगे। तो कैपेसिटर लगाएंगे कहां पे, तो कैपेसिटर जो है हम लोग इन दोनों सप्लाई के बीच में लगा सकते हैं, यहां पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पे कैपेसिटर को लगा देते हैं, ठीक है। ये भी मेरा काम करेगा, इससे मेरा जल्दी चलेगा, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं लगाना है, ठीक है, ये कंपल्सरी नहीं है। आपका जो कनेक्शन डायग्राम है यही बनाना होगा, ठीक है। आप देख लीजिए पूरा कनेक्शन बन गया है, इंपॉर्टेंट जो था उससे हम दिखा दिए। इंपॉर्टेंट को देखिए, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट जो है ये देखिए, ये आपको यहां से जो फेस सप्लाई निकल के ट्यूबलाइट के चौक के, ये चौक है मेरा, चौक के माध्यम से इधर से होते हुए यहां आया, ट्यूबलाइट है इसमें घूम के क्वाइलिंग, ये बल्ब का ट्यूबलाइट का फिलामेंट है, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट का, यहाँ के माध्यम से ये स्टार्टर है, स्टार्टर के माध्यम से सप्लाई यहाँ आया, और ये सीरीज करने के लिए दो ट्यूबलाइट को 20 वाट्स को जाने के लिए ये इंपॉर्टेंट भाग है, इस भाग को नोट करके रखिए, इस भाग मेरा जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसी चीज का यहां से देखिए कनेक्शन किया हुआ दूसरे ट्यूबलाइट में, और न्यूट्रल सप्लाई मेरा यहां से जुड़ा हुआ, सेम हाल इसमें मेरा सिंगल ट्यूबलाइट से रिलेटेड है, ठीक है। ये मेरा सिंगल ट्यूबलाइट का है, सिंगल ट्यूबलाइट का मेरा डायग्राम ये वाला जो है मेरा, ये सिंगल ट्यूबलाइट का न्यूट्रल हो गया यहां से यहां, और फेज मेरा यहां से यहां चला है, ठीक है। तो कनेक्शन आप देख लिए, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए सही से, ताकि आप कनेक्शन को कर सके, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप स्विच, आप जान ही रहे हैं कि स्विच हमेशा फेज के तरह में लगता है, तो स्विच हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये मेरा कौन होगा, वन वे स्विच, ठीक है, और वन वे स्विच में मेरा बेड स्विच लगाइए या दो स्विच लगाइए, आपको लगा सकते हैं, ठीक है। यानी मेरा कनेक्शन यहाँ पे वन वे स्विच में ट्यूब लगाइए, बेड स्विच लगाइए, जो लगाइए आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये मेरा कनेक्शन पूरा हो गया, तो आज के लिए मेरा क्लास यही समाप्त होता है, मैं कल फिर आपके लिए कुछ नया लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आई एम सोनू सूद एंड आई सपोर्ट स्किल इंडिया। कौशल भारत, कुशल भारत। भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है रोजगार के योग्य नौजवान को तैयार करने के लिए, हमारी आवश्यकता है ITI, मल्टीक्राफ्ट प्राइवेट ITI, गोविंदपुर धनबाद। एडमिशन ओपन, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर। कॉन्टेक्ट नंबर 9431168747।